आप सभी का स्वागत है ई आर एस केशन में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और से संबंधित कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं तो सभी इंतजार करें कि आखिर कब आपके वार्षिक के पेपर करवाए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि चाहे आपके पास के यूनिवर्सिटी डी यूनिवर्सिटी की बात हो, वहाँ पे भी वार्षिक के पेपर कराने को लेकर जो टाइम टेबल वगैरह है वो जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही चाहे आपके स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो, वहाँ से भी जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया 15 अप्रैल से, वहाँ से भी जो पेपर है वो स्टार्ट हो चुका है। और अभी तक आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से वार्षिक की परीक्षा कराने को लेकर कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया। इसके साथ ही जो आपके यूजी के पेपर हैं वो भी आज से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके वार्षिक के पेपर कराने को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप लेटेस्ट अपडेट देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो कि 16 अप्रैल के डेट में नोटिस जारी किया गया। और यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी यूजी पीजी के आपके सम सेमेस्टर के पेपर हैं, इसके साथ ही जो वार्षिक के पेपर हैं, तो यहाँ पे परीक्षा केंद्र के जो केंद्र अध्यक्ष हैं उनके नाम में जो संशोधन वगैरह करते हुए यहाँ पे दोबारा से जो केंद्र अध्यक्षों की सूची है वो जारी किया गया। यहाँ पे पूरी जो लिस्ट है वो देख सकते हैं, तकरीबन 11 पेज की जो लिस्ट है वो जारी किया गया, जिसमें कि सभी कॉलेज के जो नाम है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही उन कॉलेज के जो कॉलेज कोड वगैरह है वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ के कौन से केंद्र अध्यक्ष होंगे ये जो सारी चीजें वो बताया गया। और ये जो जारी किया गया वो आपके स्नातक प्रस्नातक के जो आपके सेमेस्टर के पेपर है, इसके साथ ही वार्षिक के पेपर कराने को लेकर भी जो आपके परीक्षा केंद्र के केंद्र अध्यक्ष है उनके लिए पूरी लिस्ट जारी की गई है। लेकिन आपके वार्षिक की परीक्षा कराने को लेकर जो डेट है वो कंफर्म नहीं है। लगातार आपके यूट्यूब पे टेलीग्राम पे कई सारे कमेंट आ रहे थे और हम भी इंतजार कर रहे थे कि पहले यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे को नोटिस वार्षिक परीक्षा को लेकर अलग से जारी किया जाए, जहां पे सारी बातें क्लियर हो कि कब से आपके पेपर करवाए जाएंगे, ना कि जो मेरे पास सूत्रों के अनुसार जानकारी है। लेकिन आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे थे तो हमने भी कई दिन इंतजार किया, लेकिन अब आप लोग को बताना जरूरी है ताकि आप लोग के मन में जो सवाल है, अभी आप लोग जो अपनी वार्षिक परीक्षा को लेकर परेशान है, तो इससे जो सारी बातें वो आपको कन्फर्म हो। जो जानकारी है आपकी वार्षिक परीक्षा कराने को लेकर 10 मई के आसपास जो आपके पेपर है वो स्टार्ट होने को लेकर जानकारी दिया गया है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से ऑफिशियल नहीं है। जब तक कि ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस ना, इसलिए हम इंतजार कर रहे थे कि पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आए, लेकिन आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे थे तो मेरे पास जो जानकारी है उसी के हिसाब से हम आपको सारी बातें क्लियर कर रहे हैं। तकरीबन आपके 25 अप्रैल के आसपास ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस वगैरह जारी किया जाएगा, जिससे कि सारी बातें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी छोटी से बड़ी अपडेट आएगा हमेशा सबसे पहले आपको इसी चैनल पे जो सारी जानकारी है वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल ये जो अपडेट है वो हमने आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश की है, बाकी जो भी बीच में अपडेट किया जाएगा, जो भी चेंजेस होंगे, जो भी आपकी अपडेट आएंगे उसको लेकर हम अलग से वीडियो बना के सारी बातें आपको क्लियर कर देंगे। बाकी आप लोग जैसे अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं वैसे अपनी पढ़ाई को करते रहिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से हमने आपको सारी बातें बताई है। बाकी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कोई सवाल आपके रह जाते हैं तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दें।